हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। आज हम बात करेंगे ओपन पोर्स के बारे में कि ओपन पोर्स किसे कहते हैं और क्या होते हैं और किसकी वजह से होते हैं। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई इसके लिए कि मैम ओपन पोर्स के बारे में बताइए हमें। तो रियली मैम मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरी रेमेडी पसंद आती है और उससे आपको फ़ायदा भी होता है, इसीलिए मैं आज आपके सामने ओपन पोर्स के बारे में बताऊंगी आपको कि एक पार्ट में मैं आपको बताऊंगी ओपन पोर्स होते क्या हैं और किसकी वजह से होते हैं। दूसरे पार्ट में मैं इसकी रेमेडी के बारे में बताऊंगी ताकि ये वीडियो थोड़ी लंबी ना हो और आप भी इरीटेट ना हो जाए वीडियो देख के, इसलिए मैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ओपन पोर्स किसे कहते हैं। ओपन पोर जैसे ही हमारी स्किन सांस लेती है तो उसमें क्या होता है, स्किन को सांस लेने के लिए छोटे छोटे पोर्स से हो जाते हैं जिसे हम माइनर पोर्स बोलते हैं। ये हर किसी की स्किन में होते ही होते हैं। स्किन के अंदर से जहाँ से स्किन हमारी सांस ले पाती है, ठीक है जी। ओपन पोर्स होते क्या हैं, जैसे हमारा थोड़ा सा मुँह खुला रहता है, जैसे इतना सा, तो क्या होता है हमारी स्किन या हम भी सांस ले पाते हैं और हमारी स्किन भी अच्छे से सांस ले पाती है। जैसे ही हमारा मुंह ज़्यादा खुलता है, इतना खुलेगा मान लो, तो क्या होगा, मक्खी चली जाएगी भाई, हैं, ज़्यादा खोलने की वजह से तो मक्खी चली जाएगी ना। उसी तरह हमारी स्किन होती है जो ज़्यादा मोटे मोटे खुले खुले पोर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्लैक हेड और वाइट हेड भी हो जाते हैं। वाइट हेड क्या होते हैं, जैसे हम अपनी स्किन पे कोई भी केमिकल वाली चीज़ें अप्लाई करते हैं, जैसे सनस्क्रीन है कोई भी ब्रांड की ले लेते हैं या कुछ भी हम अलग अलग क्रीम यूज करते हैं, तो उनमें कईयों में केमिकल होता है, तो वो चीज़ें अप्लाई करते हैं तो वो क्या होती है, स्किन के अंदर चली जाती है। और जिनकी ऑयली स्किन होती है उससे क्या होता है, ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो भी हमने क्रीम अप्लाई की है या हमारे फेस पे डस्ट लगी है वो क्या होती है, अंदर की साइड बैठ जाती है और हमारे पोर्स ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। या हम ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे पोल्यूशन या धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, या हम इन्वायरमेंट ही हमारा ऐसा है कि जहाँ पे हर डेली धूल मिट्टी उड़ती है, उसकी वजह से ओपन पोर्स हो जाते हैं। या कई बार हम अपनी स्किन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते या क्लीनिंग पे ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं कि हमारी स्किन सही है और जैसे ही वो जो पोर्स बड़े होते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं यार, हमें तो स्किन पे ध्यान देना चाहिए, तो उसकी वजह से भी हमारे ओपन पोर्स बढ़ जाते हैं। जो डस्ट होती है वो हमारे ओपन पोर्स के अंदर बैठ जाती है और उस वजह से क्या होता है, हमें फेस पे धीरे धीरे थोड़ी सी इरिटेशन होएगी या खुजली सी आती है, तो हम क्या करते हैं, उंगलियों के सहारे या ऐसे ऐसे करके खुजली कर लेते हैं, जिससे क्या होती है, वो डस्ट बिल्कुल हमारे अंदर बैठ जाती है फेस के और उसकी वजह से एक्ने भी हो जाते हैं। एक्ने मानो कि छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं फेस पे, आपने देखे होंगे, तो वो भी हो जाते हैं, तो उसे ओपन पोर्स कह सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ओपन पोर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक मास्क बनाना बताऊँगी, आपको इसे 3 times यूज़ करना है। आप अपने फेस पे एक मैजिक देखोगे इसको अप्लाई करने के बाद में, और ये मैजिक आपको देखना है, तो इसके लिए हमें मास्क तैयार करना होगा। तो हम चलते हैं फटाफट किचन की तरफ और अपना मास्क बनाते हैं, और मास्क बनाने के बाद ही मैं आपको बताऊंगी इसको यूज कैसे करना है और कितनी बार करना है, कैसे करना है और किस चीज़ के बाद करना है। तो चलते हैं फटाफट किचन की तरफ और जल्दी आते हैं। ये देखिए हमारा मास्क तैयार हो गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस मास्क को बनाएंगे कैसे और आपको अप्लाई कैसे करना है और आपकी स्किन पे कितना डिफरेंस दिखेगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।